हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने क्या सीखा था, कौन सा व्यंजन पढ़ा था हमने, सबको याद है। चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने व्यंजन भ पढ़ा था। भ से क्या आएगा, भ से भवन, भट्टा, फिर भगत, यह सब शब्द हमने पढ़े थे और यह पूरा पेज हमने कंप्लीट किया था। फिर आज के लेक्चर में हम व्यंजन म सीखेंगे। यहाँ देखिए, यह है म। तो कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम हमारी जो यहाँ पर कॉपी दी गई है उसमें हम देखते हैं, इस तरह से एक लाइन, फिर राउंड, फिर इस तरह से, और यहाँ पर हमारा म कंप्लीट। यह हिंदी में लिखा है, गुजराती में यहाँ पर है, दोनों एक जैसे ही है, बहुत फर्क नहीं है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब यह देखिए, यह क्या है, यह तो मछली है। तो यहाँ पर देखिए, यह क्या है, यह है मटर। मटर को हम गुजराती में बोलते हैं वटाणा। आप सबने मटर की सब्जी खाई है ना। वेरी गुड। अब हम क्या है, सबसे पहले म पहचान कर राउंड कीजिए। यहाँ पर हमें म को पहचानना है और राउंड बनाने हैं। तो सबसे पहला यह व्यंजन म है, तो यहाँ पर हम इस तरह से राउंड करेंगे। फिर ट है, उसके बाद है ड, फिर से म है, तो यहाँ पर हम राउंड बनाएंगे कुछ इस तरह से। फिर ज है, तो ल और म, तो यहाँ पर राउंड। फिर है र म, तो यहाँ पर राउंड। उसी प्रकार से सभी म पर हमें राउंड बनाना है इस तरह से। अब हमें चित्र को पहचानना है और उसके नाम में म जहाँ है वहाँ पर राउंड करना है। तो यह किसका दृश्य है, मकड़ी। यह क्या है, मकड़ी। तो मकड़ी में सबसे पहले म है, तो यहाँ पर राउंड। फिर है मगर, तो यहाँ पर म पर राउंड। फिर है खट्टी इमली, तो इमली में म पर यहाँ पर इस तरह से राउंड। चलिए अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डॉट्स दिए गए हैं, तो डॉट्स में हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हम ट्रेसिंग करेंगे, उसके बाद हम अपने तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस तरह से लाइन करनी है, फिर वहाँ से लेकर हमें राउंड, फिर बीच वाली लाइन में से इस तरह से, फिर एक सीधी लाइन करनी है, अब सिंपल लाइन, तो यह हमारा म हो जाएगा। फिर से उसी तरह से करेंगे, सबसे पहले एक सीधी लाइन, वहां से राउंड, फिर एक इस तरह से लाइन करनी है, फिर एक सीधी लाइन और सिंपल लाइन। तो बहुत इजी है, म इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। गुजराती में भी हम म लिखते ही है और हमें आता ही है। चलिए अब यहाँ पर हम अपने तरीके से म लिखना सीखेंगे। सबसे पहले ऐसे सीधी लाइन, फिर राउंड, फिर इस तरह से म हो गया। फिर से हमने लिखा है, अब हम फिर से लिखेंगे। तो इस तरह से हमें यह पूरा पेज कंप्लीट करना रहेगा। फिर यहाँ पर नीचे देखिए, नाम ने योग्य चित्र साथे जोड़ो। तो यहाँ पर हमें जो चित्र दिए हैं उसको हमें उसके नाम के साथ जोड़ बनानी है। तो सबसे पहले है मछली, तो यहाँ पर मछली कहाँ लिखा है, यहाँ पर, तो इस तरह से हम जोड़ देंगे।
फिर है मटर, तो मटर यहाँ पर लिखा है तो इस तरह से जोड़ देंगे। फिर है मकड़ी, तो यहाँ से कुछ इस तरह से, और लास्ट में है मगर। तो इस तरह से आपको होमवर्क में आज के लेक्चर में म व्यंजन लिखना पढ़ना सीखना है, ठीक है। अच्छी तरह से आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आगे का व्यंजन य सीखेंगे। चलिए, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। तब तक के लिए बाय।